नमस्कार दोस्तों, पुलिस परीक्षा में एक बार फिर से स्वागत और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए एक और क्लास आपके सामने। ये रहने वाली है दोस्तों कंप्यूटर की, और कंप्यूटर में जो जो पिछले पेपर में एमएस वर्ड से प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न लेने वाले हैं। यानी पिछला पेपर अपने 2020 में हुआ और 2020 में जो एमएस वर्ड से जो जो प्रश्न पूछे हैं, यानी जो जो अपन से बन रहे हैं, वैसे इसकी क्लास और एक रहने वाली है पार्ट टू। लेकिन आज अपन जो भी प्रश्न करने वाला है वो सब एमएस वर्ड से रहने वाला है। पहले प्रश्न से चलते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसको देखते हुए आपको 2023 की तैयारी को और मजबूत करना है, क्योंकि अपन को देखना है कि भाई पिछले पेपर में कंप्यूटर से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, एमएस वर्ड से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। तो पूरी क्लास जरूर देखें, प्रॉफिट होने वाला है और तैयारी को बिल्कुल मजबूत करते रहिए। डेली कंटिन्यू कंप्यूटर साथ में जीके पढ़ते रहिए, आराम से आप 2-3 महीने में अपने जो तैयारी बहुत अच्छी करने वाले हैं। प्रश्न यहाँ पर पूछा है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, Ctrl+V शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करने वाले हैं। अगला यहां पर प्रश्न पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछा है, एमएस वर्ड टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड टेक्स्ट लाइन में ऊपर छोटे, यानी कि कोई मैंने वर्ड लिख दिया, यहाँ पर एंड लिख दिया और यहाँ पर मुझे कुछ एक्स की घात वाई, यानी कि ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने हैं इस तरह से, तो इसमें कौन सी जो है कौन से की का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना जो है सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करेंगे, तो वो टेक्स्ट क्या है ऊपर अंकित होगा छोटे एक्सरों में। यह भी अपने 2020 का प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला यहां पर दोस्त प्रश्न पूछ रहा है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य चेंज केस विकल्प नहीं है, कौन सा एक मान्य चेंज केस विकल्प नहीं है। यानी इसमें से अपन को बताना है कौन सा जो मान्य एक चेंज केस विकल्प नहीं है। लोअर केस, पास्कल केस, अपर केस, टंगल केस, यानी कि जो जो ये वर्ड से बन रहे हैं एमएस वर्ड से, पास्कल केस, लोअर केस, अपर केस, तो ये पास्कल केस वाला ये कोई नहीं है। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का प्रश्न है, एमएस वर्ड से जो जो प्रश्न है वो अपन लेके आए आज। अगला प्रश्न देखो, अगला दोस्तों प्रश्न बन रहा है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प व्यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है। प्रश्न एक बार वापिस से पढ़ लेता हूं, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प व्यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है। ऑप्शन है ड्राफ्ट, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन, वेब लेआउट। 2020 का प्रश्न है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आउटलाइन है जो इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न बन रहा है, एमएस वर्ड में किस पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किसी माउस क्लिक का उपयोग किया जाता है। वापस पढ़ता हूं, एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस माउस क्लिक का उपयोग किया जाता है। 2020 का प्रश्न है, ऑप्शन आपके सामने है, ट्रिपल लेफ्ट क्लिक, डबल लेफ्ट क्लिक, सिंगल लेफ्ट क्लिक, सिंगल राइट क्लिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना ए, ट्रिपल लेफ्ट क्लिक, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न यहां पर पूछा है, एमएस वर्ड में टेबल में पंक्तियों रोज की कम से कम संख्या हो सकती है। 2020 का प्रश्न है, और एमएस वर्ड में टेबल पंक्ति में रो की कम से कम कितनी संख्या हो सकती है, पंक्तियों की यानी कि रोज की कितनी जो है संख्या हो सकती है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न यहां पर पूछा है, सिलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। यानी कि कोई भी सिलेक्टेड लाइन है उसको डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी बतानी है आपको। ऑप्शन ये रखा है, Ctrl+Shift+U, Ctrl+D, Ctrl+Shift+D और Ctrl+U। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना Ctrl+Shift+D, ये आपको याद रखना है। अगला देखो भाई,
अगला प्रश्न पूछ रहा है एमएस वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, स्टेटस बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, एंड बार। तो दोस्तों एमएस वर्ड में जो सबसे नीचे स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसे कहा जाता है भाई अपने स्टेटस बार, ये आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेटस बार। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न पूछा है एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट एरिया में फॉर्मेटिंग के लिए किसी टेक्स्ट के ब्लॉक का चयन करते ही निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने दे रखा है ये, तो ऑप्शन है प्रिंट व्यू, टेबल, नया डॉक्यूमेंट या फिर मिनी टूल बार। ऑप्शन एक बार वापस पढ़ लेता हूं प्रश्न, एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट एरिया में फॉर्मेटिंग के लिए किसी टेक्स्ट के ब्लॉक का चयन करते ही निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित या क्या दिखाई देता है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी, मिनी टूल बार, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में फाइंड FIND और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलता है, यानी कि कौन सी जो है आपको पूछ रहा है कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में फाइंड FIND और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलता है। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, तो दोस्तों इसमें कंट्रोल प्लस यदि अपन एच क्लिक करेंगे तो ये आपका फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलता है। 2020 का ही प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। और जो जो प्रश्न मैंने आज लेके आया इसी प्रकार अपनी कल क्लास और होने वाली है कंप्यूटर से रिलेटेड, मैंने प्रीवियस के जीके जीएस की भी एक क्लास अपलोड करती, वो भी जरूर देखें। अपना पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, अपने जो भी दोस्त है दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल की तैयारी करें उनके साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें, जय हिंद, जय भारत।